आज की वीडियो है सैमसंग के प्यार में डूबे हुए लोगों के लिए। दैट मीन्स इफ यू आर अ सैमसंग फोन लवर देन कीप वॉचिंग। मैंने टोटली दो ही फोन सेलेक्ट किए हैं। मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, बेवजह लिस्ट लंबी कर सकता था, बट इतना कंपैरिजन करने के बाद फाइनली मैंने दो ही सेलेक्ट किए हैं। और इन कुछ सैमसंग मॉडल्स जो कि इस प्राइस रेंज में आते हैं, इन्हें मैंने लिस्ट से बाहर रखा है, जैसे कि A13, M12, M21, M32 एंड F22 एसेट्रा। और ये जो दो फोन से मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये लेटेस्ट ही लॉन्च हुए हैं और इनमें ज्यादा बेस्ट फीचर्स हैं अगर हम इन्हें कंपेयर करें अदर सैमसंग स्मार्टफोन्स से इस प्राइस रेंज में। वैसे इस प्राइस रेंज में और भी अदर ब्रांड्स हैं जो कि इससे भी अच्छे फीचर्स दे रहे हैं, उनकी तरफ भी एक बार देखना चाहिए। डेडिकेटेड वीडियोस में बना चुका हूं, पहले ये वीडियो देख लो, फिर चाहो तो वो वीडियोस भी देख सकते हो। और क्योंकि आज की हमारी मूवी का हीरो सैमसंग है, इसलिए सैमसंग के बारे में एक दो बातें तो होनी चाहिए। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ही नहीं, बहुत कुछ बनाता है और कभी कभी हम लोगों को उल्लू भी बनाता है। कंस्ट्रक्शन मशीन बनाता है, मेडिकल सप्लाईज, ट्रेडिंग और भाई खुद के टैंक्स भी बना रखे हैं। इसलिए भाई सैमसंग की बुराई थोड़ी सोच समझ कर करना, ये टैंक इसीलिए बना रखे हैं। मजाक कर रहा हूँ, जी खोल के करो, मैं भी करता हूँ, पर बिना वजह भी पीछे मत पड़ना, जैसे रात को कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं। वैसे एक बार तो मुझे कुत्तों ने बहुत ही बुरा घेरा था और मैं बस उन्हें सह रहा था। और इसके अलावा एप्पल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसकी डिस्प्ले भी सैमसंग ही बनाता है और कुछ अदर पार्ट्स भी बनाता है। और सिर्फ एप्पल के लिए ही नहीं, अदर ब्रांड्स भी ऐसे हैं जो कि सैमसंग से ही डिस्प्ले लेते हैं। और यहाँ पर सैमसंग थोड़ी सी शाणपति करता है कि अदर ब्रांड्स को ना थोड़ी लो क्वालिटी की डिस्प्ले देता है, जबकि खुद के फ़ोन में हाई क्वालिटी डिस्प्ले लगाता है। कुछ फोन्स में ऐसा होता है, कुछ में नहीं होता। और बात करें इस बजट की, तो यहाँ पर ना नॉर्मली IPS डिस्प्ले हमें अदर फोन्स में मिलती है, जबकि सैमसंग के फोन्स में मिलती है TFT LCD डिस्प्ले। एंड सैमसंग क्लेम करता है कि ये ज़्यादा ब्राइट है IPS डिस्प्ले से एंड क्वालिटी ज़्यादा बेटर है IPS LCD डिस्प्ले से। पर जब हमने टेस्टिंग की तो कोई खास रिजल्ट ऐसा नहीं निकला, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। काफ़ी कुछ डिपेंड करता है पिक्सल डेंसिटी पर भी, तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे तो नहीं लगा, 19-20 कह सकते हैं, इसलिए ज़्यादा इनकी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, पर ये सच है कि कुछ फोन्स में सैमसंग कमाल की डिस्प्ले देता है। इसके अलावा सैमसंग में हैंगिंग की भी प्रॉब्लम होती थी, जी हाँ होती थी। पहले सैमसंग के फोन्स बहुत ज़्यादा हैंग करते थे, बट उसके बाद एंड्रॉयड 8, एंड्रॉयड 9 आने के बाद कस्टमाइजेशन काफ़ी अच्छे से किया जाता है एंड अब सैमसंग की ये प्रॉब्लम दूर हो गई है। इसलिए ना मुझे पहले सैमसंग के फ़ोन बिल्कुल पसंद नहीं थे, पर हाँ अब ठीक है। और सैमसंग की अब एक ब्रांड वैल्यू है, इस वजह से सैमसंग के फोन्स ना थोड़े से महंगे होते हैं, फीचर्स कम होते हैं, बट प्राइस ज़्यादा होती है। क्योंकि भाई एक ब्रांड बनाने में ना काफ़ी अच्छे से पैसे लग जाते हैं, सर्विस सेंटर्स खोलने पड़ते हैं इतने सारे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, एडवर्टाइजमेंट करना होता है दबाकर, और फिर उसके पैसे आपसे लिए जाते हैं दबाकर। चलो बातें तो यूं ही होती रहेंगी, अब जरा फोन्स भी देख लेते हैं जिसके लिए आए हैं। और हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो ना तो सैमसंग से पूछ सकते हो किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लेना मुझसे, और सिर्फ फोन के बारे में ही पूछना, खाना बनाने की रेसिपी मत पूछने लग जाना। लेट्स स्टार्ट विथ सैमसंग गैलेक्सी F23। ये मार्च 2022 में ही लॉन्च हुआ है। स्लिम डिजाइन है, वेट थोड़ा सा कम कह सकते हैं अगर इसे कंपेयर किया जाए सैमसंग के अदर स्मार्टफोन्स से। वैसे ये कोई कम वेट नहीं है, पर हाँ नेक्स्ट जो फ़ोन मैं बताने वाला हूँ उसका तो इससे भी कहीं ज़्यादा है। गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन है यहाँ पर, प्लास्टिक फ्रेम है, प्लास्टिक का बैक है, प्लास्टिक ही प्लास्टिक है। और यहाँ मिलती है TFT LCD डिस्प्ले विथ 120Hz रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट अच्छी है मेरी तरह, नहीं आपकी तरह, लाइक सब्सक्राइब करवाना है मुझे। एंड्रॉयड 12 पर ये रन करेगा स्नैपड्रैगन 750G, ब्रदर ऑफ पाले जी। अच्छा प्रोसेसर है, साइज थोड़ा सा ज्यादा है 8 नैनोमीटर, बट ठीक है, क्लॉक स्पीड वगैरह ठीक ठाक मिल जाती है, ज्यादा बेस्ट मैं नहीं कहूँगा। इससे ज्यादा अच्छा प्रोसेसर अगले वाले फोन में है। इसके अलावा SD कार्ड लगाया जा सकता है, अलग से इसका स्लॉट है। कैमरे की बात करें, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शक्ल चाहे कैसी भी हो पर फोटो तो हम लेंगे। तो इसमें हमें मिलता है 50 मेगापिक्सल का वाइड, देन 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, देन 2 मेगापिक्सल का जबरदस्ती में मैक्रो भी चिपका रखा है। एंड कैमरा सैंपल्स मैं स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, दोनों ही फोन्स के हैं। एंड इन दोनों फोन्स में ना मुझे बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं लगा, दोनों के कैमरा सैंपल्स कुछ कंडीशन में F23 बेटर लगा तो कुछ लाइटिंग कंडीशंस में M33 बेटर लगा। वैसे कैमरा सैंपल से तुम समझ गए होंगे कि नेक्स्ट फ़ोन कौन सा होगा, सारा सस्पेंस खत्म हो गया। ओवरऑल कैमरा क्वालिटी दोनों ही फोन्स की सिमिलर सी है, ज़्यादा कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है कैमरे को, शार्पनेस सेचुरेशन काफ़ी हद तक सिमिलर है। इसके अलावा फिंगरप्रिंट साइड में लगा सकते हैं, 5000mAh की बैटरी है विथ 25W फास्ट चार्जिंग। इसके अलावा कुछ अदर फीचर्स भी स्क्रीन पर शेयर कर दिए गए हैं, देख सकते हो। एंड लास्ट में ये कुछ टेस्ट रिजल्ट्स भी मैं शो कर देता हूँ,
जिससे कि आपको मुझे थैंक्स बोलने का मौका मिल जाएगा। और हाँ, बता दूं कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो या फिर डायरेक्टली इंस्टा पर भी पूछ सकते हो। और हाँ, थोड़ा इंस्टा पर भी फॉलो कर लो यार, मार्केट में नाक कट रही है। ओके, नाउ द नेक्स्ट फोन इज सैमसंग गैलेक्सी M33 जो कि नहीं है फ्री, पैसे देने पड़ेंगे। इसमें भी वही TFT LCD डिस्प्ले है विथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। गेमिंग आराम से की जा सकती है क्योंकि यहाँ पर प्रोसेसर भी पावरफुल है। Exynos 1280 है जो कि 5 नैनोमीटर की चिपसेट है, जिसकी क्लॉक स्पीड स्क्रीन पर दिख रही है 2.4 GHz। अच्छी है क्लॉक स्पीड, वैसे देखा जाए ना इसी बजट के अदर स्मार्टफोन्स भी ऐसे हैं अदर ब्रांड्स के जिनमें इससे ज़्यादा क्लॉक स्पीड या इन फोन्स से ज़्यादा फीचर्स भी मिल जाते हैं, तो देख लेना अदर ऑप्शंस भी हैं तुम्हारे पास। सैमसंग के पीछे ही पागल होने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा फ़ोन भी ट्राई कर सकते हो। डेडिकेटेड वीडियोस तो मैंने बना ही दी है। और हाँ, इस फ़ोन की एक चीज़ जो कि थोड़ी सी बुरी लग सकती है कि इसका वेट ना थोड़ा सा ज़्यादा है, 215 ग्राम्स। वैसे ये ज़्यादा वेट ना सिर्फ इंडिया में है क्योंकि इंडिया में 1000 mAh बैटरी ज़्यादा बढ़ाकर दी गई है, इसकी वजह से इसका वेट भी थोड़ा ज़्यादा हो गया। वैसे ये बहुत ही यूज़फुल भी हो सकता है, अगर कभी किसी को धमकाना हो तो बोल देना एक सैमसंग M33 की फेंक के मारूंगा तो आगे से गीली और पीछे से पीली कर देगा। तो ये हो सकता है थोर का हथौड़ा जो कर सकता है सामने वाले के फोड़ा। वैसे बाद में सदमा तो तुम्हें भी लगेगा। तो बकवास साइड में रखते हैं और अब काम की बात करते हैं। मेरे बाबू ने थाना ताया। एंड्रॉइड 12 पर यह भी बेस्ड रहेगा। SD कार्ड लगाने के लिए अलग से स्लॉट है और इसमें ना 4 कैमरे मिलते हैं, ये एक अच्छी बात है। अल्ट्रा वाइड ओनली 5 MP का है, 8 MP होना चाहिए था, इन्होंने एक लेंस बढ़ाकर दूसरे के पिक्सल्स कम कर दिए, बहुत तेज़ है। इसके अलावा इसमें भी फिंगरप्रिंट साइड में लगा सकते हैं। इंडिया में अगर बाय करते हो 6000 mAh की बैटरी मिलती है और अगर इंडिया के अलावा अदर कंट्री में बाय करते हो तो वहाँ पर 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। और हाँ, एक चीज़ और बहुत ही अच्छी मिलती है कि ये रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है 5G बैंड से, इसमें भी वही 12 ही है। सो ओवरऑल सारी गणित आपके सामने है, आई होप कि आप समझ गए होंगे कौन सा फ़ोन बेटर है। वैसे मैं मेरी तरफ से अगर बताऊँ ना, सैमसंग M33 इज स्लाइटली बेटर देन F23 और इसीलिए इसकी प्राइस भी स्लाइटली बेटर है, पर कोई ना, अपनी बार्गेनिंग स्किल दिखा देना दुनिया को। सो ओवरऑल कैमरे में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, अगर गेमिंग के लिए कंसीडर करना हो तो मैं रिकमेंड करूँगा M33 के साथ जाना, बैटरी mAh ज़्यादा है और प्रोसेसर ज़्यादा है। इसके अलावा डिज़ाइन अपने हिसाब से देख लेना, किसके दिल को क्या लुभाता है, किसे क्या पसंद आता है। वैसे जो भी फ़ोन पसंद आए कमेंट में बताना। चलो वो वीडियो ख़त्म हो चुकी है, वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो अगर फोन्स की वीडियोस पसंद करते हो। चलो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।